दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में संत सुजान सिंह इंटरनेशनल स्कूल के गंदे पानी के टैंक में गिरने से 4 साल के नंदिनी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टैंक का पानी काफी गंदा और गहरा था। दरअसल बच्ची मंगलवार शाम स्कूल से अपनी मां के साथ वापस घर आ रही थी और जैसे ही स्कूल के टैंक के पास आई तो चलते हुए मासूम नंदिनी टैंक में जा गिरी। बच्ची को बचाने के लिए मां ने कोशिश की तो वो टैंक में जा गिरी। आनंद फानंद में आसपास मौजूद लोगों ने मां को तो तुरंत बचा लिया लेकिन बच्ची को निकालने में करीब 15 मिनट का वक्त लग गया। तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि जिस टैंक में गिरकर बच्ची की मौत हुई वो स्कूल और गुरुद्वारे की कंबाइंड टैंक है। इस पर कोई जो सेफ्टी कवर है वो भी नहीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूल और गुरुद्वारे को पहले भी कई बार इस बारे में बोला जा चुका है लेकिन खुले टैंक पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों के मुताबिक टैंक में पहले 2 भैंस और 1 गाय भी गिर चुकी हैं लेकिन फिर भी ना तो प्रशासन ने इससे सबक लिया ना स्कूल मैनेजमेंट ने। अब लोग बच्ची की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब डालकर मारने की कोशिश की। पत्नी को गंभीर हालत में रोहिणी के अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति सनी और पीड़ित अमनप्रीत की 2 साल पहले ही शादी हुई थी लेकिन कुछ वक्त से दोनों में किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी, इसीलिए अमनप्रीत अपने मायके आ गई थी। आरोप है कि मंगलवार शाम सनी अमनप्रीत से मिलने पहुंचा और उसे पास के ही पार्क में बुलाया। तभी उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सनी ने अपनी बीवी अमनप्रीत पर तेजाब डालकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल में भर्ती अमनप्रीत जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। केएन काटजू मार्ग थाना पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। लेकिन जापानीज पार्क के पास एक लड़की का बलात्कार कर पूरी वारदात का वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। लड़की के दोस्त के मुताबिक आरोपी पुलिस की वर्दी में था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस पूरी वारदात की ना तो पुलिस में कोई शिकायत की गई और ना ही कोई किसी तरह का कॉल किया गया। लड़की की शिकायत न करने के बावजूद वारदात की खबर के बाद 3 थानों की पुलिस खुद जांच में जुटी है। दरअसल घटना के बाद लड़की इतनी सहमी हुई है कि वो कोई भी कानूनी दाव पेच पे नहीं पड़ना चाहती। उसे डर है कि इससे उसकी बदनामी तो होगी ही, कहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना हो जाए। लड़की का दोस्त भी इस घटना से इतना डरा हुआ है कि आज ही दिल्ली छोड़कर जा रहा है। पुलिस की ओर से उसे भी लगातार फोन आ रहे हैं लेकिन वो पुलिस के सामने जाने को तैयार नहीं। फिलहाल पुलिस जापानीज पार्क और उसके आसपास के जो वारदात वाले इलाके हैं उनमें मौजूद तमाम पुलिस वालों के मोबाइल की फोन लोकेशन की जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि वारदात के वक्त उस इलाके में कौन कौन से पुलिस वाले मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के विधायक और गुजरात प्रभारी गुलाब सिंह पर दिल्ली पुलिस को झटका लगा है। दिल्ली पुलिस ने गुलाब सिंह को अदालत में पेश कर 5 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी। इस पर अदालत ने दिल्ली पुलिस की मांग को खारिज कर दिया। गुलाब सिंह को दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल की रैली से ठीक पहले गिरफ्तार किया था। उन्हें मंगलवार को अदालत में पेश कर दिल्ली पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड मांगी। इस पर अदालत ने दिल्ली पुलिस की मांग खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि आरोपी एक सम्मानित व्यक्ति है, वो विधायक हैं और उनके भागने की कोई आशंका नहीं है, लिहाजा उन्हें 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजने का कोई वजह नहीं बनती है। पुलिस की एप्लीकेशन खारिज करते हुए अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने ये पूछा कि इतनी क्या जल्दी थी कि पुलिस हवाई जहाज से गुजरात चली गई। कोर्ट ने कहा कि रैली से पहले गुलाब सिंह को दिल्ली लाने की वजह पुलिस को पता ही होगी, पुलिस का ये रवैया काफी कुछ बोलता है। इधर राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ विनय कटियार ने बागी तेवर इख्तियार कर लिए हैं। चुनाव से पहले बीजेपी नेता विनय कटियार ने ये कहा कि राम मंदिर बनाने की कोशिश होनी चाहिए, लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होगा। दरअसल मंगलवार को केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के रामायण म्यूजियम के लिए जमीन देखने अयोध्या पहुंचे थे तो वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी नेता विनय कटियार ने इसे लॉलीपॉप करार दे दिया। विनय कटियार ने अयोध्या में केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम से भी ये कहकर किनारा कर लिया कि अगर वो वहां पहुंचे तो संत उनसे राम मंदिर को लेकर सवाल करेंगे। वहीं विरोधियों ने भी बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को चुनावी मौसम में ही राम याद आते हैं। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि राम की याद चुनाव के लिए ही नहीं आती, हम राम भक्त को रामलला के मंदिर बनने का इंतजार भी है। मुजफ्फरनगर में मीडिया से बात करते हुए अयोध्या में बीजेपी के रामायण म्यूजियम पर आजम खान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये काम वो ही कर सकते हैं जो कानून को नहीं मानते। वहीं प्रधानमंत्री के नाम आजम खान ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री की रेस छोड़ दी।
मंगलवार को दो राज्यों के दौरे पर वो थे। वो पहले प्रधानमंत्री और पहले हिमाचल प्रदेश गए और फिर पंजाब। पीएम बनने के बाद पहली बार हिमाचल पहुंचे पीएम मोदी ने राज्य के लोगों को बड़ी सौगात दी। मंडी में पीएम ने तीन बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद रैली में पहुंचते ही सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा करना नहीं भूले पीएम। विपक्ष के आरोपों से बेपरवाह पीएम ने फिर से सेना की जमकर तारीफ की। परिवर्तन रैली में पीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। आरोप मढ़ा कि मौजूदा सरकार जनता के काम की वजह से कम भ्रष्टाचार के लिए ज्यादा जानी जाती है। चुनाव होने हिमाचल के लोगों का दिल जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब का रुख किया। लुधियाना में तो पीएम मोदी ने कुल 500 महिलाओं को सोलर चरखे बांटे और देश में खादी के बढ़ते चलन पर खुशी जताई। पंजाब के चुनावी माहौल में पीएम ने दलितों को भी लुभाने की पूरी कोशिश की और लुधियाना में ही राष्ट्रीय एसटी एक्ट इधर केंद्र की शुरुआत की। विदेश सचिव एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारतीय सेना की ओर से यूपीए सरकार में नियंत्रण रेखा के पार हमले ये गए हैं या नहीं, इस बारे में सिर्फ सेना ही जानती है। 28 और 29 सितंबर को हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर बोलते हुए विदेश सचिव ने यह कहा कि इस हमले का पैमाना काफी बड़ा था और सरकार ने इसका सार्वजनिक ऐलान भी किया। इससे सरकार ने कड़ा संदेश दिया है। मंगलवार को शहीद सुधीश का पार्थिव शरीर उनके गांव आया। शहीद के शव के आते ही गांव वालों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। इलाके के विधायक ने शहीद सुधीश के परिवार से मुलाकात की और भरोसा दिया कि 7 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री शहीद परिवार से मुलाकात के लिए आएंगे। विधायक के भरोसे के बाद ही परिवार शहीद सुधीश के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। शहीद सुधीश का अंतिम संस्कार सैनिक सम्मान के साथ किया गया। शहीद सैनिकों पर विवादित बयान देने के बाद चौतरफा घिरे ओमपुरी। मंगलवार को कश्मीर में शहीद जवान नितिन यादव के घर इटावा पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद नितिन के घर वालों से मुलाकात की और शहीद से जुड़े अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगी। इसके बाद वो शहीद की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन में भी शामिल हुए। शहीद नितिन के परिजनों से मुलाकात के दौरान वो कई बार भावुक भी हुए। बता दें कि 3 अक्टूबर को आईबीएन 7 के कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर चर्चा के दौरान ओमपुरी ने कहा था कि जो जवान सरहद पर शहीद हुए हैं उन्हें फौज में जाने के लिए किसने कहा था। कावेरी विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को अगले आदेश तक तमिलनाडु को रोजाना 2000 क्यूसेक पानी देने को कहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। बता दें कि कावेरी मुद्दे पर तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में 2 दिनों से रेल रोको आंदोलन चल रहा था। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री योजना के तहत 19 सड़कों की सौगात दी। लुधियाना में कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अकाली बीजेपी पर सवाल उठाए। दिल्ली में कांग्रेस नेता अशोक तंवर पर हमले के मामले में 14 विधायक और 11 घायल कार्यकर्ता सुशील कुमार शिंदे के सामने पेश हुए। देश के अलग अलग हिस्सों से आए एमएसआई सेक्टर के उद्यमी पीएम मोदी से नेशनल अवार्ड हासिल करने पर काफी गौरव महसूस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें ये अवार्ड उनकी मजबूत इरादों के चलते ही मिला है और पीएम से अवार्ड मिलने पर काफी उत्साहित हैं। फिल्म मैं दिल है मुश्किल की रिलीज को लेकर हो रहे विरोध के बीच फिल्म निर्माता करण जौहर के प्रतिनिधि के तौर पर मुकेश भट्ट, सिद्धार्थ रॉय कपूर और फॉक्स स्टार स्टूडियो के अफसरों ने मंगलवार को मुंबई के जॉइंट सीपी देवेन भारती से मुलाकात की। इन लोगों ने 10 दिन बाद रिलीज होने जा रही फिल्म के लिए सिनेमाघरों को सुरक्षा देने की मांग की। मुंबई पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि फिल्म की रिलीज के दौरान सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। दरअसल फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की अहम भूमिका है और इसकी वजह से एमएनएस समेत कुछ राजनीतिक दल इसे रिलीज करने का विरोध कर रहे हैं। एमएनएस ने मल्टीप्लेक्स मालिकों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने करण जौहर की फिल्म अपने थिएटर में लगाई तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। शुक्रवार को सिंगल स्क्रीन थिएटर मालिकों के एक संगठन ने भी फिल्म को रिलीज नहीं करने का ऐलान किया था। हालांकि इस पूरे विवाद पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोर्ट या फिर किसी सरकारी संस्था ने पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्म पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। बीजेपी पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्म का विरोध जायज बता रही है, लेकिन कांग्रेस समेत दूसरे दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। बॉलीवुड भी इस मुद्दे पर दो धड़ों में बटा नजर आ रहा है। बॉलीवुड का एक तबका कलाकारों पर किसी भी तरह की पाबंदी के खिलाफ है तो दूसरा तबका पाकिस्तानी कलाकारों पर रोक का पुरजोर समर्थन कर रहा है। रेणुका शाहणे ने फिल्म का समर्थन करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सिर्फ फिल्म जगत को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, जबकि बाकी कारोबार और रिश्तों पर कोई असर नहीं।
सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निलानी ने एदिल है मुश्किल की रिलीज के विरोध को गलत ठहराया। बता दें कि एदिल है मुश्किल 28 अक्टूबर को रिलीज होनी है। विवाद के बावजूद करण जौहर ने फिल्म की रिलीज टाली नहीं। पाकिस्तानी कलाकारों के समर्थन में उतरे अनुराग कश्यप ने एक नया विवाद छेड़ दिया है। अनुराग खुद तो पीएम से सवाल पूछते हैं, लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वो शर्मनाक हरकत पर उतर आए। आईवीएन 7 संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने पाकिस्तानी कलाकारों पर जारी विवाद के बारे में अनुराग की राय जानने के लिए उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, लेकिन जवाब देने की बजाय उन्होंने आईवीएन 7 संवाददाता का मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद शिवांगी को अनजान नंबरों से धमकी भरे कॉल्स आने लगे। मामला तूल पकड़ता देख अनुराग ने माफी मांगने की बजाय अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। करण जौहर ने कहा है कि वो भविष्य में पाकिस्तान से किसी भी कलाकार को अपनी फिल्म में शामिल नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, करण जौहर का कहना है कि वो इसलिए चुप हैं क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वो देश विरोधी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है। पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन के मुद्दे पर देश में चल रही बहस के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि उनके लिए देश पहले है और सबसे पहले देश की बात होनी चाहिए, ना कि कला और संस्कृति। गया एयरपोर्ट को 1 नवंबर से 23 नवंबर तक बंद किया जा रहा है। इस दौरान रनवे का मेजर जो मरम्मती का काम है वो किया जाना है। 18 अक्टूबर को सेना पुलिस की स्थापना दिवस पर आगरा में सेना ने इधर स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर आकाश में हैरत अंगेज और रोमांचकारी प्रदर्शन कर सेना पुलिस ने लोगों का दिल जीत लिया। आज देश भर में सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का त्यौहार मना रही हैं। इस मौके पर सुहागिन औरतें निर्जला रहकर शाम को चांद को अर्घ्य देकर अपने व्रत का उद्यापन करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोधा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के मुद्दे पर बीसीसीआई की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। गुजरात की वापी में 70 वर्षीय महिला ने दान की एक मिसाल पेश की। महिला ने अपने बंगले के साथ साथ 15 तोला सोना, 40 तोला चांदी और 40 लाख रुपए कैश सीनियर सिटीजन काउंसिल को दान दे दिया है। पटना स्टेशन में ट्रेन से 144 कछुए बरामद किए गए हैं। जीआरपी रूटीन चेकिंग के दौरान इन कछुओं को बरामद किया गया है, लेकिन कोई भी दावेदार सामने नहीं आया। विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की जांच अब एनआईए करेगी। अब तक मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही थी। इधर परवणी से आईएस के संदिग्धों की गिरफ्तारी का मामला एनआईए को सौंपे जाने से एटीएस के अधिकारी नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने मामले से जुड़े दस्तावेज अब तक एनआईए को नहीं सौंपे। जयपुर पुलिस ने 3 लोगों को 3 लाख के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 1 लाख के असली नोट के बदले 3 लाख जाली नोट देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट देने में देरी को लेकर गाजियाबाद पार्श्वनाथ एक्सोटिका को कड़ी फटकार लगाई है और 10 दिसंबर तक बाकी 10 करोड़ रुपए भी जमा कराने के आदेश दिए हैं। गंगा प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने यूपी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ऐसे ही कुछ दूसरे प्लांट्स के निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है। अहमदाबाद से मुंबई जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट का मुंबई एयरपोर्ट पर टायर फट गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में विमान में सवार किसी भी यात्री या फिर क्रू मेंबर को कोई चोट नहीं आई। विमान में 128 यात्री सवार थे। अहमदाबाद के सरोदा गांव के दलितों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। दलितों का आरोप है कि कलेक्ट्रेट के आदेश के बावजूद स्थानीय प्रशासन जमीन मुहैया कराने में देरी कर रहा है। राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रोहित चिल्लर की पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ललिता ने सुसाइड नोट में अपने पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मुंबई के बोरीवली में एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी और पेट्रोल भराने आए युवकों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई की मालवणी पुलिस ने 5 साल की दिव्यांग बच्ची के रेप के आरोप में 50 साल के शख्स को गिरफ्तार किया। पुणे में महिला की हत्या करने वाले आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हत्याकांड के पीछे एक तरफा प्यार की आशंका जता रही है। कानपुर के भौती हाईवे पुल के नीचे गैस सिलेंडर से लदे हुए ट्रक में आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि चारों ओर अफरा तफरी मच गई। हाथरस में वैन के सिलेंडर में अवैध तरीके से गैस भरते वक्त आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि आसपास की कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। यूपी के मथुरा में तो बाइक आपस में टकरा गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवती की हालत गंभीर बनी हुई है।
बदायूं में एक थाने की लड़की ने यहां अपने पड़ोसी पर रेप का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि उस पर 6 और लोगों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भिवानी के गैंगरेप पीड़िता ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल इससे पहले जेल भेजे गए 5 आरोपी एसआईटी प्रभारी ने अपनी जांच में निर्दोष बताया था। हरियाणा के पानीपत में 6 साल की एक बच्ची स्कूल बस की चपेट में आ गई, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुरुग्राम में शराब कारोबारी और गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के बड़े भाई मनीष गुर्जर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि 2 लोग घायल हो गए। विद्या बालन की फिल्म कहानी पार्ट 2 का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इसमें उनकी तस्वीर के साथ वॉन्टेड लिखा हुआ है। इस फिल्म में विद्या दुर्गा रानी सिंह के किरदार में नजर आएंगी। आमिर खान की फिल्म दंगल का ट्रेलर 20 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। पहलवान महावीर सिंह फोगट की जिंदगी पर बनी ये फिल्म इसी साल 23 दिसंबर को रिलीज होगी। मामी फिल्म फेस्टिवल में 22 अक्टूबर को बाहुबली पार्ट 2 की पहली झलक सामने आएगी। फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजामौली ने इसकी जानकारी दी। रणवीर सिंह और वाणी कपूर की फिल्म बेफिक्रे का नया गाना नशे से चढ़ गई रिलीज हो गया है। दीपिका की एक्शन फिल्म का ट्रेलर 4 भाषाओं में रिलीज किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी आने वाली फिल्म तकदुम पर काम करना शुरू कर दिया है। परिणीति चोपड़ा ने सुशांत के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की, इसमें दोनों फिल्मों की पटकथा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म डियर जिंदगी का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए टीम इंडिया ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर जमकर पसीना बहाया और जीत की तैयारी करती हुई नजर आई। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। वाराणसी की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी पूनम चौहान की डेंगू से मौत हो गई। पूनम की पिछले 3 दिनों से वाराणसी के ही एक निजी अस्पताल में वो भर्ती थी।